इस स्कूटर में आपको मेटल का जो पोर्शन है वो सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा, उसके अलावा ये बाकी पूरा स्कूटर जो है फाइबर का है। देखिए मैंने स्टार्ट किया और कब स्टार्ट हो गया, कोई खिच खिच पिच पिच की आवाज़ इसमें नहीं आती है। हेलो मेरे राइडर ब्रदर्स, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरे साथ खड़ा हुआ है होंडा का सबसे खूबसूरत स्पोर्ट्स मोटर स्कूटर होंडा डियो का BS6 वर्जन। ये आप देख सकते हैं, ये ब्लू कलर और वाइट कलर में खूबसूरत इसका बेस वेरिएंट है। इसके वेरिएंट्स, इसके प्राइसेस और हर चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और इस स्कूटर को हम सबसे पहले देखते हैं इसी तरफ से। तो साइड में आपको देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो इसकी सीट मिलती है वो सीट की लंबाई है 650 मिलीमीटर के आसपास। तो सीट थोड़ी सी छोटी है क्योंकि इसमें होंडा ने सीट को छोटा करके एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग का पोर्शन भी पीछे की तरफ दे दिया है। और आप देखेंगे सीट काफ़ी गद्देदार है, इसमें थोड़ी सी हार्ड है अगर आप इसको एक्टिवा से कंपेयर करते हो तो, मगर उसके बाद भी इसमें आपको कुशन अच्छा मिलता है। इसके अलावा सीट का नीचे का पोर्शन देखिए तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर की फाइबर की इंसर्ट्स मिलती है जो इसके साइड लुक को और भी ज़्यादा एनहेंस करती हैं। उसके बाद आपको ये फाइबर का पूरा इसका सीट के नीचे का पोर्शन मिलता है जिसमें आपको इस कलर में बहुत ही खूबसूरत सा डियो का स्टिकर मिलता है और उसके साथ आपको ग्राफिक्स भी मिलते हैं। तो ये साइड प्रोफाइल इसकी काफ़ी अच्छी दिखती है। उसके बाद आप इसके नीचे की तरफ चलेंगे तो फिर से आपको ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिलेगा और यहाँ पे आपको मिलते हैं रियर फुट पैक्स। उसके बाद जो राइडर का फुट बोर्ड का पोर्शन है आप उसके नीचे देखिए, ये आपको होंडा ने यहाँ पर ब्लू कलर की पूरी फाइबर की इंसर्ट दी है तो ये और ज़्यादा इसके लुक को खूबसूरत बनाती है। इसके बाद आइए हम लोग स्कूटर के फ्रंट की तरफ चलते हैं। तो इस लुक में आपको यहाँ पर हैंडल बार के नीचे इसके साइड पैनल में ये खूबसूरत सा लोगो लगा हुआ मिलता है और वो भी एक ग्राफिक्स के साथ। मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये आपको इस कलर में मिलेगा, दूसरे कलर्स में आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। उसके ग्राफिक्स थोड़े से सिंपल से हैं, जैसे कलरफुल वेरियंट्स आते हैं उसी में आपको इस तरीके के स्टिकर्स मिलते हैं और वो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। आइए पीछे की तरफ चलें तो आपको यहाँ पर मिलती है स्प्लिट रियर ग्रैब, काफ़ी बड़ी हैं, काफ़ी खूबसूरत हैं, काफ़ी स्टाइलिश हैं। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर मिलता है इसका छोटा सा क्यूट सा मफलर और उसके ऊपर आपको मिलती है ये मेटल की हीट शील्ड। इस स्कूटर में आपको मेटल का जो पोर्शन है वो सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा, उसके अलावा ये बाकी पूरा स्कूटर जो है फाइबर का है। पीछे का पहिया मैं आपको बताऊं, इसमें आपको मिलता है 10 इंच का जो है 90 मिलीमीटर चौड़ा, ये MRF के नाइलो ग्रिप टायर इसमें आते हैं और उसमें आपको मिलती है सिर्फ स्टील व्हील्स। इसमें आप देख पा रहे हैं ब्लैक कलर की है, अगर आप डीलक्स वेरियंट लेंगे तो डीलक्स वेरियंट में आपको स्टील व्हील जो मिलेगी वो गोल्डन कलर में मिलेगी। बात करेंगे फ्रंट टायर की तो फ्रंट टायर भी आपको इसमें मिलता है स्टील रिम के साथ, हालांकि उसमें आपको 12 इंच का बड़ा टायर मिलता है, मगर मैं इसकी चौड़ाई बता दूँ ये भी आपको 90 मिलीमीटर चौड़ा ही मिलेगा, ये भी MRF का टायर ही है। और इसमें आपको यहाँ पर मिलेगा टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो होंडा के ज़्यादातर स्कूटर्स में आता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसके फ्रंट फेंडर में आपको एक रेक्टेंगुलर रिफ्लेक्टर मिलता है। तो होंडा ने इसको डिज़ाइन काफ़ी अच्छी तरीके से किया है, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन लैंग्वेज का यूज़ किया है। अगर हम इसको फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट से जब पे नज़र डालोगे तो आपको इस स्कूटर से प्यार हो जाएगा, क्योंकि इसको होंडा ने जो डिज़ाइन किया है वो एक यूथ ओरिएंटेड डिज़ाइन दी है, काफ़ी फ्रेश डिज़ाइन दी है इसको। इसमें आपको इसके फ्रंट के पोर्शन में LED पोजिशन लैम्प मिलता है जो इसको थोड़ी सी एंग्री लुक देता है। उसके ऊपर होंडा ने अपनी ब्रांडिंग दे रखी है, होंडा का खूबसूरत सा आपको स्टिकर दिखाई देगा। और उसके बाद आप नीचे चलोगे तो फ्रंट के पोर्शन में जो सबसे खूबसूरत है, जो इस स्कूटर को विनर बनाती है, वो है इसका हेडलाइट का पोर्शन। तो आप देखिए इतनी बड़ी इसमें हेडलाइट मिलती है, हालांकि आपको हेडलाइट इसके दोनों मॉडल्स में सिर्फ हेलोजन ही मिलेगी, LED हेडलाइट यहाँ पे नहीं मिलती है, मगर उस हेडलाइट के साथ आप देखिए इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स हैं दोनों तरफ से, तो वो इंडिकेटर्स इसके फ्रंट लुक को हेडलाइट के साथ एक बहुत ही अच्छा एनहांसमेंट देते हैं। और इसके फ्रंट पोर्शन में जो खास बात ये है वो है इसका डुअल टोन कलर। अगर आप देखोगे तो जो इसके डार्क कलर के वेरिएंट्स हैं वो भी डुअल टोन में आते हैं, जैसे ग्रे है तो ग्रे भी ब्लैक के साथ कॉम्बिनेशन में ही आएगा। फ्रंट फेंडर में भी आपको इसमें काफ़ी स्टाइल मिलती है, काफ़ी क्रीजेस मिलती हैं, तो फ्रंट लुक इसका मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब हम लोग बात करते हैं इसकी दूसरी तरफ से, तो दूसरी साइड के वेरिएंट में आपको ज़्यादातर वही फीचर्स मिलते हैं, सिमेट्रिकल है। जो यहाँ पे आपको खास बात मिलती है वो आप देखिए, यहाँ पर एक HET का स्टिकर लगा हुआ मिलता है जिसमें आपको BS6 लिखा हुआ मिलेगा। तो ये इस स्कूटर को
कंफर्म करता है कि ये स्कूटर BS6 मॉडल है। नीचे चलेंगे तो आपको यहाँ पर ESP का मिलेगा, यानी इन्हेंस स्मार्ट पावर का स्टिकर यहाँ पे लगा रखा है। उसके नीचे किक आती है और किक के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको होंडा की ब्रांडिंग मिलती है। पीछे की तरफ आपको मिलेगा 3-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन, जो हाइड्रोलिक सस्पेंशन है। और जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो खांचे बने हुए हैं, ये खांचों में आप देखो, अगर आप इस वक्त मेरे ख्याल से ये बिल्कुल बीच के पोर्शन में लगा हुआ है, इसको आप और सीट को और नीचा कर सकते हो और यहाँ से आप इस सीट को और ऊंचा कर सकते हो। चलते हैं इस स्कूटर के रियर पोर्शन की तरफ। तो पीछे फिर से इसमें विनिंग पार्ट आता है, वो है इसकी टेल लाइट। तो आपको बताऊं दोस्तों, सबसे खूबसूरत टेल लाइट होंडा के किसी स्कूटर में आती है वो आती है होंडा डियो में, क्योंकि इसकी टेल लाइट इतनी बड़ी है और इसके साथ जो टर्निंग इंडिकेटर्स इसी में इंटीग्रेटेड हैं, वो इसके लुक को और भी ज़्यादा ब्यूटीफाई करता है। पीछे भी आपको मिलता है यहाँ पर एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग का कवर। इसको आप खोलोगे तो खोलने के बाद इसके अंदर आप पेट्रोल भरा सकते हो। आइए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल। तो इंस्ट्रूमेंट पैनल आपको इसमें एनालॉग ही मिलता है, क्योंकि ये बेस वर्जन है, डिजिटल नहीं मिलेगा। इसका जो डीलक्स वेरिएंट है उसमें आपको डिजिटल स्पीडोमीटर मिलता है और सिंपल सा स्पीडोमीटर है। इसमें आपको लेफ्ट राइट इंडिकेटर्स मिलते हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं दोनों जल रहे हैं। उसके बाद हाई बीम लो बीम की लाइट मिलती है, यहाँ पे आपको धूप में बहुत रंग दिख रही होगी। और यहाँ ऊपर की साइड में आपको इंजन चेक वार्निंग लाइट मिलती है, ये बीच में आपको पूरा स्पीडोमीटर मिलता है और नीचे फ्यूल गेज मिलता है। बात करें इस इंस्ट्रूमेंट पैनल की, तो राइट हैंड साइड पर आपको स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, जिसमें इंटीग्रेटेड सेल्फ स्टार्ट भी होंडा ने यहीं पर दिया हुआ है। आपको बता दूँ ये साइलेंट स्टार्ट स्कूटर है, तो आपका स्कूटर स्टार्ट कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए मैंने स्टार्ट किया और कब स्टार्ट हो गया, कोई खिच खिच पिच पिच की आवाज़ इसमें नहीं आती है। तो ये BS6 में एडिशन दिया हुआ है। उसके बाद आपको इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल के नीचे होंडा का लोगो लगा हुआ मिलता है। तो राइट साइड पर चलें तो राइट हैंड साइड पर आपको हाई बीम लो बीम का स्विच मिलता है, जिसमें इंटीग्रेटेड पास बटन है और उसके बाद लेफ्ट हैंड इंडिकेटर और उसके नीचे हॉर्न्स। बात करते हैं स्कूटर के फ्रंट के पोर्शन की। तो फ्रंट में आप देखिए, सबसे पहले तो कन्वीनियंस में आपको यहाँ पर हुक लगा हुआ मिलता है एक, और दूसरा एक हुक आपको मिलता है इसकी सीट के नीचे। तो काफ़ी दबा के लगाए हैं अंदर और स्पेस का काफ़ी अच्छा यूटिलाइजेशन किया है होंडा ने। बात करते हैं इसके चाबी वाले पोर्शन की। तो ये आपको मिलती है मल्टी फंक्शनल की यूनिट, जिसमें आपके पास 4 ऑप्शंस है। पहला है इग्निशन का, दूसरा है फ्यूल और सीट का, यानी जब आपने यहाँ पे लगा दिया तो आप फ्यूल और सीट दोनों यहीं से खोल सकते हैं, फ्यूल मतलब फ्यूल के लिड। उसके बाद आप इसको इग्निशन ऑफ, और चौथे में आप इसके हैंडल को लॉक कर सकते हैं। तो ये मल्टी फंक्शनल की यूनिट काफ़ी अच्छी दे रखी है। उसके बाद आप देखिए राइट हैंड साइड पर भी होंडा ने यहाँ पर एक छोटी सी पॉकेट देने की कोशिश करी है, हालांकि वो पॉकेट इतनी छोटी है, मुझे नहीं लगता होंडा ने क्या सोच के ये पॉकेट दी है, या पता नहीं होंडा ने पॉकेट दी है या नहीं भी दी है। ये यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें स्टोर नहीं कर सकते, बहुत छोटा मोटा सामान ही आप रख सकते हो। हालांकि इस स्कूटर में आपको ये दूसरी साइड पर यहाँ पर एक बड़ी पॉकेट मिलती है और ये पॉकेट काफ़ी बड़ी है दोस्तों, मैं आपको दिखाऊँ। इसमें आप आराम से अपना मोबाइल वगैरह रख सकते हो, देखिए पूरा मोबाइल इसके अंदर आ जाता है। बात करें इसके बॉडी मटेरियल की, तो जो इसका फ्रंट का टॉप का पोर्शन है ये आपको फाइबर में मिलेगा, उसके नीचे का पोर्शन भी फाइबर में मिलेगा, इवन फ्रंट फेंडर भी यहाँ पर आपको फाइबर का ही मिलेगा। इसके सीट के नीचे का पोर्शन भी फाइबर में है, तो ओवरऑल ये पूरा स्कूटर फाइबर बॉडी के साथ में आता है। बात करें इसके लंबाई की, तो इसमें आपको 1808 मिलीमीटर की लंबाई मिलती है, जो एक्टिवा से छोटी है। चौड़ाई है 723 मिलीमीटर की, जो एक्टिवा के कंपैरिजन में ज़्यादा है। ऊंचाई है इसकी 1150 मिलीमीटर की। इसमें आपको 1260 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है, जो एक्टिवा के ही बराबर है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो इसमें आपको 160 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो एक्टिवा से काफ़ी कम है। उसमें आपको सबसे ज़्यादा 171 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। इसकी सीट की लंबाई मैंने आपको बताई थी 650 मिलीमीटर है, और इसका वज़न है 105 किलोग्राम का। दोस्तों काफ़ी हल्का सा स्कूटर है, एक्टिवा इससे 2 किलोग्राम भारी है। अगर आप जुपिटर की बात करते हैं तो वो इससे 4 किलोग्राम भारी है, यानी जुपिटर का वेट है 109 किलोग्राम का और एक्टिवा का है 107 किलोग्राम का। इसमें आप 5.3 लीटर पेट्रोल भरा सकते हो, जो आपको 200 से लेकर 250 किलोमीटर तक की रेंज बहुत ही आराम से दे देगा। इसके टायर्स दोनों आपको ट्यूबलेस मिलते हैं। और मैं बात करूँ इसके इंजन की, तो इसमें आपको 109.51 सीसी का एक्टिवा वाला इंजन मिलता है, हालांकि इसकी ट्यूनिंग थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इसमें आपको टॉर्क एक्टिवा के कंपैरिजन में ज़्यादा मिलता है, हालांकि पावर ऑलमोस्ट सेम ही है। बोर स्ट्रोक भी बिल्कुल एक्टिवा के बराबर ही है, टॉर्की इंजन है। और लास्ट में बात करूँ मैं इसके वेरिएंट्स की, तो इसमें आपको टोटल 2 वेरिएंट्स मिलते हैं, डीलक्स और स्टैंडर्ड। इन दोनों में मैं अगर फ़र्क की बात करूँ, तो डीलक्स में आपको LED हेडलैम्प मिलेगा है, और स्टैंडर्ड में हेलोजन हेडलैम्प है। डीलक्स में डिजिटल मीटर कंसोल है, स्टैंडर्ड में एनालॉग है, और डीलक्स में आपको गोल्ड कलर की व्हील्स मिलती हैं, जो स्टैंडर्ड में आप देख पा रहे हैं ब्लैक कलर की हैं। लास्ट में इसमें आपको 3-स्टेप इको इंडिकेटर मिलता है,
डीलक्स में। आइए मैं आपको इसकी सीट खोल के दिखाता हूँ। तो सीट खोलने के लिए सबसे पहले आपको आपकी चाबी जो है वो सीट वाले ऑप्शन पे लानी होगी, फिर आपको सीट का बटन दबाना होगा और उसके बाद आपको आवाज़ आई होगी सीट खुल गई है। तो सीट में आप देखिए यहाँ पर बहुत छोटी सी स्पेस आपको मिलती है, बहुत बड़ी स्पेस नहीं है, शायद 18 लीटर के आसपास ही है, दूसरे स्कूटर्स में आपको ज़्यादा मिलती है, तो इसमें आप अपना बहुत ज़्यादा सामान स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो कोई मिरेकल मत एक्सपेक्ट करिएगा यहाँ पर। और थोड़ा सा इसको बंद करने में भी थोड़ी सी दिक्कत फील होती है। तो ये था इस खूबसूरत स्कूटर का वॉक अराउंड। मैं लास्ट में अगर प्राइसेस की बात ना करूं तो ये वीडियो पूरा नहीं होगा। तो प्राइसेस में अगर मैं बात करूं आपसे तो जो इसका स्टैंडर्ड वेरिएंट वो आता है 64,240 एक्स शोरूम का, जो ऑन रोड लगभग 82,000 के आसपास पड़ेगा। और इसका जो डीलक्स वेरिएंट है वो आता है 67,590 एक्स शोरूम, जो लगभग 85,800 के आसपास आपको ऑन रोड पड़ेगा। तो दोस्तों ये था डिटेल में इस खूबसूरत स्पोर्टी स्कूटर का वॉक अराउंड। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। वीडियो ख़त्म करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आप ये स्कूटर खरीदना पसंद करेंगे? इसके कंपटीशन को अगर आप देखें तो आपको 125 सीसी में एंटॉर्क मिलता है 110 सीसी में, तो हालांकि स्पोर्टी स्कूटर भारत में कोई भी नहीं है। तो क्या आप एंटॉर्क के कंपैरिजन में डियो को खरीदना पसंद करेंगे? मैं आपको बता दूं, एंटॉर्क से आप कंपेयर करते हो तो इसका जो डीलक्स वेरियंट है वो लगभग 10,000 रुपये और 13,000 रुपये सस्ता पड़ता है। तो नीचे कमेंट कीजिएगा अपने जवाब और मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा नीचे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाना मत भूलिएगा। अपने राइडर दोस्त आशीष को विदा दीजिए एक और नए वॉक अराउंड या राइड रिव्यू वीडियो में मिलने के लिए। नमस्कार।